तुम चला कि छोड़ के और गुरु महाराज ने खूब याद करो, खूब याद करो। और याद आना 100% सत्य बताओ, चाहे कितना ही छुपाव कर लो, कितना ही बैंक में जमा कर लो, कितना ही जो है उधारा दे लो, कितना ही ब्याज में दे लो, एक पैसा भी साथ नहीं जाओ, एक पैसा भी साथ चले जाओ, गारंटी की बात है। अरे की ले आया को नहीं ले आया तो कोई बताओ साथ, अरे की ले जाए को नहीं, पर फिर भी इतना जितना जो है ना यू है को फेरो ना पाट जाइए जो आप ऊन देते हैं, आप यू कर लें वो कर लें, बहुत चालाकी, वो चालाकी को परिणाम जो है ना फिर दोबारा जन्म की तैयारी कर रहे हैं। खूब खूब गुरु महाराज जी के ऐसा अनुमानों का अपन ऐसा जीवन दियो है, अपन ऐसी बात बताई है, नहीं तो जो है ना ऐसी ऐसी व्यवस्था है भाई, तू जो है ना शिष्य बनेगा तो तेन मंत्र देंगे तो तेरी दक्षिणा लगेगी, 1100 रुपया देना पड़ेगा, कपड़ा लेना पड़ेगा, फिर भाई चाहे कपड़ा 100 जोड़ी हो फिर भी कैसे सिद्धांत नियम बना दें, तू आश्रम आओगे तो भाई तेरी आइया सेवा करनी पड़ेगी, तू आश्रम आओगे तो भाई तेन 500 रुपया मना के देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था गुरु महाराज जी रखी को नहीं, तो भाव लेके बाहर कोई भी आओ सबके लिए खोल, और हमने बहुत अच्छा लाग रहे, बहुत अच्छा लाग रहे। अब धन के लिए जो है ना धन की गति बताई हमने गुरु महाराज, बहुत आराम से जो है गुरु महाराज जी विश्राम कर रहा था, मैं पैर दबा रहे और दबा था, जब थोड़ी सी आवाज कम समझ में आया करती लास्ट टाइम की बात, तो जो है ना यूं देख के मेरे कंठ पर करवट बदल के मुस्कुराया, मुस्कुराया सोची महाराज जी कर्ण समझ नजदीक से वो कहोशा, फिर थोड़ी कोशिश करी अब महाराज जी के कणता हूँ तो नोला लाला आज अपने आश्रम की इतनी चल है, इतनी जो है ना वह है मतलब एक प्रकार से अक्षारा समाज में नाम है, आज आप चाहो तो तरह नौवा के जब हमने मंत्र दीक्षा दे दी थी नौवा ने शिष्य बना लिया था, नोला जो है तन एक एक करोड़ रुपया नाम करवा जा, और फिर बस बस बंद हो गया इतनी कही, और 3-4 मिनट भी इतना के बाद दोषण से आज केवल पांच सौ तरह पंगड़ बात हुई आपस में सिर फोड़ोगा इस मुकदमा हो जाऊंगा, यो धन को परिणाम। और यार सुने देखा हाँ घरों में परिवारों में जो है संस्थाओं में सब जगह जितनी भी दिक्कत हो है ना वो धन के कारण सब है, कोई ने भी आदमी ने जो है 2 रोटी से फालतू खा कौन सके, 2 कपड़ा ज्यादा पैर कौन सके, और कितने भी ले जाओ जब ये विचार है तो फिर कठे भी ले जाओ, पर मैं ना उनको चीज चाहू एक समझ भी कठेगा आएगा तो वो यूं कई दिन तो मार्केट में खड़े रहे तो महाराज जी बोल खटका के बाद चलो बस दाल रोटी महाराज जी दाल रोटी से काम चल रही है, मेरा बोल चीज चाहू दाल रोटी कभी खा कितने भी खा कोई दिक्कत ही को नहीं, चाह जब तक हो है ना तब तक आदमी परेशान है। गुरु महाराज जी का कोई कोई जो है ऐसा शब्द था जो आदमी को भीतर वे कहता चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिन को कुछ नहीं चाहिए वो सा इंसान का आवश्यकता है जैसे तो दिक्कत है, आवश्यकता नहीं तो क्या दिक्कत है, राजा है जड़ भरत को कई वरदान देता वो कहता जड़ भरत जाए तो लेट रहे तो राजा जाए ज्ञान लेने, जब वो एक जो अनुभव का पाल के हम चलता एक जो कहार धो एक वो जो पाल के औरत जो नो को पेट दे दो, अब राजा की यात्रा रुकी तो मैंने दूसरा प्रबंध करो, तो वो मोटो से मस्त महात्मा से तो चल भरत चल खड़े हो बोले कहाँ चल चल तो चलो कहता चल पड़े चल पड़े दूल्हे पालकी में लाग जाए पालकी में लाग गए जब वो कोई नीचे जो है कोई जीव जंतु आ जब वो उन्हें पर न यूं उठा के रख आगे वो तब ना जा जब राजा जाके पालकी में सिर लाग तो क्या सही ढंग से नहीं चल रहे वो फिर दोबारा जो है महाराज हम तो ठीक चला ये नए आए ये हो जाए वो कर तो और फिर राजा की तो वो फिर कूद के पड़े जो राजा जाए फिर सिर लाग गए उतारो बोलो क्या बात है बोलो महाराज जीव को बचा रहा हूँ जीव को ढो रहा हूँ
जी।